अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हारा जायदाद में कोई हिस्सा है, लेकिन लेकिन भाई साहब, ये मेरा बेटा है और बेटा होने के नाते इसका हिस्सा बनता है। जरूरी नहीं है कि वसीम जायदाद का हिस्सेदार हो। कितना बड़ा है उसका भाई? अमजद भाई, लेकिन वो तो उम्र रसीदा है, बूढ़े हैं। हाँ माँ, मेरा शौर एक 75 साल बूढ़ा आदमी है। कोई मेरे साथ शरीक हो जाए इस जायदाद में, ये तो नामुमकिन सी बात है। तुमने इतनी बड़ी बात कश्माला झूठ क्यों बोली? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तू क्या कह रही है। कभी कहती है शादीशुदा हूँ, कभी कहती है नहीं, कभी माँ बनने वाली है, कभी नहीं बनने वाली। वो औरत तुझे खरीद के लेके गई थी, सच सच बता के बात क्या है? पहले तेरे पास माँ नहीं थी, माँ है ना, तू मुझे बता सच क्या है? मैं क्या बताऊं मैं आपको, रईसा बाजी का एक बेटा है, वो बाहर से आया और मुझे पसंद आ गया। आपने भी मुझे गलत समझ लिया। मैंने तो ये कहा कि मुझे वो पसंद आ गया था। मैंने ये कब कहा कि मैंने कोई गुनाह किया? अम्मा, हाँ मैं बहक गई थी, मैंने गलत किया उसे पसंद करके, लेकिन मैंने कुछ गुनाह नहीं किया अम्मा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। सबको अपनी जिंदगी में फैसले करने का हक है ना, लेकिन आपने और बाबा ने मेरी जिंदगी का जो भी फैसला किया, मैंने सर झुका के उसे तस्लीम कर लिया। फिर मेरी जिंदगी में अमजद आए, उन्होंने मेरी जिंदगी का फैसला किया, उनका भी हर फैसला मैंने सर झुका के तस्लीम कर लिया। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में वसीम आया और जब मैंने उसे देखा तो मुझे लगा कि मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए, मुझे अपनी जिंदगी का फैसला लेना चाहिए, मुझे भी हक है। लेकिन मैं तो ये भूल ही गई थी कि मुझे अपनी जिंदगी के फैसले लेने का ये अपने बारे में सोचने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी के फैसले तो दूसरे करेंगे। कभी आप बाबा, कभी अमजद, कभी नादिर। नादिर? नादिर कौन? वो भी एक था, उसने बहुत कोशिश की मेरी जिंदगी में आने की, लेकिन मैंने उसे अपनी जिंदगी में नहीं आने दिया, क्योंकि वो एक कातिल, एक गुंडा था। कातिल? नादिर? तो किस नादिर की बात कर रही है कशो? आप लोग सब इतना चौंक क्यों रहे हैं? क्योंकि हम भी एक नादिर को जानते हैं जो कातिल है, गुंडा है, तुम्हारे बाबा के दोस्त का कत्ल किया है उसने। आप
मामी आपका दोस्त था। कामरान भाई रिक्शे वाले। तुम कैसे जानती हो उसे? क्योंकि उनकी जान मेरी वजह से ही तो गई थी। साहब की बीवी हो? हाँ बाबा, मैं प्रोफेसर साहब अमजद की बीवी हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा किस्मत क्या खेल खेल रही है हमारे साथ। समझ में नहीं आ रहा नेमत, किस्मत ने क्या खेल खेला हमारे साथ। मुझे तो लगता है मेरा मामा फट जाएगा। भाई साहब कशमाला नहीं आई अभी तक? रेसा खातून, आप कशमाला को ना भेजा करें और जब भेजती हैं तो सोचा मना करें। कशमाला कहो कि कशमाला अभी तक नहीं आई है। आपकी जबान पर भी व्यर्थ रहता है। कहां चली गई, कब आएगी? बस ऐसा खातून ज्यादा ना सोचे, आ जाए। भाई साहब मैंने उसे जीनत के पास भेजा है। तो इसमें परेशान होने की कौन सी बात है भाई? कश्मीर चेकअप ले गई भी और भी मरीज आए होंगे तो टाइम तो लगेगा ना चेकअप होने में। मैंने अपॉइंटमेंट लेकर भेजा है उसे। हाँ तो कोई बात नहीं, टाइम तो लगता है ना। ट्रैफिक भी हो सकता है, रास्ते में देर भी हो सकती है और बहुत 10 बातें हो सकती है। जैसे खातून आप तो हर वक्त हवा के घोड़े पर सवार हैं। अच्छा मैं हवा के घोड़े पर सवार और वो पिछले 2 घंटे से गायब है वो? अच्छा ये बताएं कि यहां से जीनत का घर कितने दूर? तकरीबन 45 मिनट। 45 मिनट तो समझ लो 50 मिनट समझ लो आप, यही ना? तो ट्रैफिक भी मिल सकता है और भी कुछ बातें हो सकती है। हो सकता है कशमाला कहीं खाने पीने बैठ गई हो, और सी बातें हैं। मेरा ख्याल है कि वो चेकअप कराए बगैर नहीं आएगी। रेजा खातून आप उसका इंतजार ना करें। भाई साहब मुझे बहुत परेशानी है, कशमाला और उसका बच्चा दोनों बहुत कमजोर है। अच्छा कमजोर, ये कैसे पता चला? मेरी बात हुई थी जीनत से, उसने मुझे बताया। लेकिन आपने तो यही बताया था कि कशमाला ने चेकअप करवाया ही नहीं। जी भाई साहब चेकअप नहीं करवाया था, लेकिन देखने से तो पता चलता है ना, जीनत ने उसे देखा है, उसकी कंडीशन नजर आती है, वो बहुत कमजोर लग रही है। अब मैं आपको क्या डिटेल्स बताऊं भाई साहब? ठीक है ठीक है, मैं इस टॉपिक पे आपसे बात नहीं करता, लेकिन आप सादा बातें ना करें वरना आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। कशमाला कहीं नहीं जाती, और कहीं जाती भी है तो आप ही जानती है। वो जानती है कि उसका हमारे सिवा कोई नहीं है। Thank you.
अगर नादिर कामी भाई को ना मारता ना तो तू हमें एक साल पहले ही मिल गई होती। मैंने देखा था तुझे कामी के रिक्शे में। कामी भाई के रिक्शे में? लेकिन कब? वो गुजर रहा था तो मैं कामी को देखकर रुक गया। कामी को मैंने सलाम किया, उसने जवाब दिया। तुमने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था, मैं तुम्हें देख नहीं सका था। मैंने कहा पूछूं कौन है, फिर मैंने कहा अमीर घर की लड़कियां हैं, अच्छा नहीं लगता बंदा इस तरह की बात कर सके, और मैं तुम्हें पहचान नहीं सका, इतना दूर हो गई थी, इतने फासले, इतना वक्त गुजर गया, मैं अपने कशों को पहचान ही नहीं सका। बाबा वक्त चेहरे बदल देता है और हर लम्हा खदो खाल तब्दील कर देता है। और 11 साल की बच्ची 11 साल बाद 22 साल की होगी, और वो जो उसका बाबा उसके लिए रंगीन चूसे खरीद के लाता था, वो उसे ढूंढते ढूंढते सड़कों पे मारे मारे फिरते रहे। और जो कबूतर चांद से उड़ गया था बिल्ले के खौफ से, वो वापस आ गया बिल्ले का शिकार होने से पहले। अम्मा, तूने मुझे मारा और बात कहां से कहां पहुंच गई? लेकिन जिसलिए तुमने मुझे थप्पड़ मारा वो वजह तो पूछ लो। तूने बात ही ऐसी की थी कश कि मुझसे बर्दाश्त नहीं, अपने शौहर के होते हुए किसी गैर लड़के को पसंद करना नहीं। कश अम्मा मैं भैग गई थी, और वो एक कमजोर लम्हा उसने मुझे इतना मजबूत और इतना बेबस कर दिया था, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मैं जानती हूँ मैंने गलती की, मैं इतनी कमजोर हो गई थी कि मैं अपनी गलती को तस्लीम नहीं कर सकी, मैं बहुत बेबस हो गई थी। अम्मा, इंसान को मोहब्बत ना मजबूर बना देती है, और फिर आपको सिर्फ महबूब दिखाई देता है, इंसान नहीं। बेटा ये तेरी गलती है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बेशक प्रोफेसर की उम्र तुझसे बहुत बड़ी है, लेकिन वो तो तेरा शौहर, शौहर तो सर का साई होता है, ताज होता है, और तूने उसके सर पर मिट्टी डाल दी। कश्माला, कश्माला, ये कहां पे है कश्माला? कश्माला, क्या बात है, क्या कश्माला कश्माला चिल्ला रहे हो, क्यों शोर मचाया हुआ तुमने? कश्माला कहाँ पर है? डॉक्टर पे गई है। मम्मी आपने उसे डॉक्टर के पास क्यों जाने दिया? मैंने आपको मना भी किया था कि उसे नहीं भेजिएगा वहाँ पे। जब आपको एक बात कह दी जाती है तो आप भी थोड़ा सा इंतजार कर लिया करे ना, कभी कभार तो आप भी बहुत अजीब बिहेव करती हैं। और क्या वो जायदाद का जो वारिस है उसे मैं आने दूं घर पे? मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई वारिस नहीं आ रहा, आप क्यों नहीं समझती इस बात को? क्या मतलब कोई वारिस नहीं आ रहा, क्या समझूं मैं इसमें? I told you कि कोई वारिस नहीं है। क्या एक ही बात बार बार किए जा रहे हैं, कोई वारिस नहीं है, कोई वारिस नहीं है, खुलकर बताओ मुझे। मम्मी, She is not pregnant. और ये
सब कुछ ड्रामा था, हमने झूठ बोला था। क्या मतलब ये सब कुछ झूठ है? और तुम लोग पिछले 4 महीने से इस झूठ को परवान चढ़ा रहे हो? वो इसीलिए कि मामू जान को पता चले कि वो कश्माला के बच्चे के बाप नहीं है, तो वो कश्माला को छोड़ देंगे और फिर कश्माला के पास कोई चारा नहीं होगा, वो मेरे पास आ जाएगी, मैं उससे निकाह करूंगा और फिर सारी जायदाद हमारे पास आ जाएगी। तो इस सब के लिए इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मम्मी अगर हम झूठ ना बोलते तो मामू कश्माला को डाइवोर्स कैसे करते? अच्छा, तो डाइवोर्स तो उन्होंने अब भी नहीं दी। और मुझे एक बात बताओ, भाई साहब उससे डाइवोर्स देंगे क्यों? एक ही बात आपको बार बार समझाना पड़ रही है, यही कि वो कश्माला के बच्चे के बाप नहीं बन रहे, और जब उनको पता चलेगा तो शायद वो ये सुन के कश्माला को डाइवोर्स दे देंगे। इतनी बड़ी बात और भाई साहब ने उसपे पर्दा डाल दिया? नहीं, नहीं नहीं, मैं मान ही नहीं सकता, ये सब कुछ झूठ है। मम्मी ये झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, सब कुछ ऐसा ही हुआ था। और जब मामू जान को ये पता चला कि वो कश्माला के बच्चे के बाप नहीं बन रहे, तो अपनी इज्जत को बचाने के लिए क्या करेंगे? उस पे पर्दा ही डालेंगे ना। तो मामू ने भी वही किया, एवरीथिंग इज फेक, ये सब ड्रामा था। उफ खुदाया, इतना बड़ा ड्रामा, और इस सब के पीछे किसका दिमाग चल रहा था? There was only a one person behind this, और वो था चांद। तुझे पता है, मैंने गुस्से में आके ने मन से तलाक मांगी थी, और दिल ही दिल में मुझे यकीन था कि नेमत मर जाएगा पर मुझे तलाक नहीं देगा। अम्मा मैं तो कुछ नहीं जानती, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं आज इस दुनिया में आई हूं, मेरे पांव तले तो जमीन भी नहीं है, और मेरे पांव तो मुझे लग रहा है हवा में भी नहीं है। मैं वापस चल के उसी जगह आ गई हूं जहां से मैंने चलना शुरू किया था। अम्मा ये वो दुनिया ही नहीं है जो मेरी थी। मुझे पता है मैंने अच्छा नहीं किया अमजद को धोखा देकर। मुझे इस बात का एहसास है कि तूने अमजद को धोखा दिया। हाँ बाबा, मुझे एहसास है। देख देख कशो, बहुत हिम्मत वाली है, हमारी बेटी है ना, अपनी सारी हिम्मत जमा कर और जाके अपने शौहर को सब बता दे। शौहर के पास बीवी के अलावा और कुछ नहीं हूं। तुझे पता इस दुनिया में सबसे मुकद्दस रिश्ता मियां बीवी का बनाया अल्लाह ने, पर तू खुद सोच हम तेरे लिए कितना तड़पे, कितनी तकलीफें उठाई, और अब तू अमजद के निकाह में है। अगर उसके निकाह में होते हुए तू उसे धोखा देगी, उसका अजाब सारी जिंदगी भुगतना होगा, तुझे भी और हमें भी। हाँ बेटा, तू उसको चाहकर बता किस तरह रईसा और उसके बेटे ने दौलत हथियाने के चक्कर में तुझे इस्तेमाल किया। अपने शौहर को जाकर सब कुछ सच बता दे।
देखें मम्मी, मैं कृष्णमाला को पसंद करता था एंड दिस इज फैक्ट, और वो मेरे बचपन की दोस्त भी रही है। फिर इसी रिश्ते का एहसास इस तरह से बढ़ने लगा कि वो मुझे और अच्छी लगने लगी, और मैं तो ये सोचकर वापस आया था कि मैं कृष्णमाला से निकाह कर लूंगा। लेकिन जब मैं वापस आया और मैंने ये सारी सिचुएशन देखी कि उसने तो मामू जान से ही निकाह कर लिया, एंड आई वॉज कंफ्यूज्ड, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। और इस सब के लिए तुमने ये सब कुछ? मम्मी, मैंने अपने आप को बहुत समझाया, पर मैं अपने आप को समझा भी चुका था, और मैंने जब कृष्णमाला की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो उसने तो मुझे बिल्कुल मुमानी की तरह से ट्रीट किया। मैं तो सिर्फ मामू का भांजा था, वो मेरी मुमानी कहां से बन गई? लेकिन फिर चांद ने मुझे बार बार ये सब कुछ सोचने पर मजबूर किया, मुझे ये रियलाइज करवाया कि मेरा और कृष्णमाला का एक्चुअल में रिश्ता है क्या, और फिर हमने तो ये सब कुछ भी प्लान कर लिया था कि मामू जान को इस सब रास्ते से किस तरह से हटाएंगे और सारी जायदाद किस तरह से हासिल कर सकते हैं। क्या मतलब भाई साहब को रास्ते से हटा सकते हैं? मेरा और चांद का ये ख्याल था कि जब मामू जान को पता चलेगा कि वो कृष्णमाला के बच्चे के बाप नहीं बन रहे तो वो बेचारे पहले ही एजेड हैं, तो उनका हार्ट फेल हो जाएगा, और फिर पीछे कौन रह जाएगा? सारी जायदाद हमारे पास आ जाएगी ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हें अंदाजा भी है कि भाई साहब के कितने एहसान आता है हम पर? Oh, come on, मम्मी, ये एहसान पहसान प्यार मोहब्बत रिश्ते, दिस इज ऑल बुलशिट, नथिंग एल्स। सब क्या हुआ मेरी कशो के साथ? ये सब मेरा कसूर है। जो होना था हो गया, पर उस बुड्ढे ने एक बार भी नहीं सोचा कि अपनी बेटी की उम्र की बच्ची से शादी कर रहा है। बेटी की नहीं, पोते की उम्र की। क्या अल्लाह, इतना बुढ़ा है? लेकिन अब हम कर क्या सकते? कशो से पूछे। मैं तो नहीं पूछ सकता। हाँ, तू पूछ ले। मैं क्या पूछूं? यही बाबा कि वो उसके साथ खुश भी है कि नहीं। जो उसने कहा कि मैं खुश हूं तो बस ठीक है, उसकी खुशी में हम खुश। और कहा कि मैं खुश नहीं हूं तो क्या करेंगे? निम तलाक दिलवा कर उसे वापस ले आऊंगा। बेची थी तूने बच्ची, ब्याही नहीं थी। 10 लाख रुपए जमा किए मैंने, मुंह पे मारूंगा उसके। इतने पैसे कहां से आए तेरे पास? मजदूर आदमी, सारी जिंदगी की जमा पूंजी। चल, कोई तो जिम्मेदारी उठाई तू? वैसे उसके मुंह पे मारूंगा और उसको बोलूंगा बहुत खिदमत करवा ली तूने मेरी बेटी से, अब कोई काम नहीं करेगी मेरी कशो तेरा। मेरी भूल जैसी बच्ची, समझता क्या खुद को? दुनिया उजाड़ दूंगा मैं उसकी। आ,
अरे तुम गए नहीं? मैं वापस आ गया हूँ। अच्छा तुम कहाँ गई थी? तुम्हारी अम्मी मुझे डॉक्टर के पास लेके गई थी इस बच्चे को खत्म करवाने के लिए। अच्छा फिर क्या ड्रामा है, चलने दो, एक ना एक दिन से खत्म ही होना है। तुम्हारा अंदाज कुछ बदला बदला सा है। मेरे अंदाज नहीं बदलते वसीम, मैं बस कश्माला बन गई हूं।